जथेदार गोबिंद सिंह जी लोंगोवाल नूं तीजी वार प्रधान बनाया गया है अते डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साढ़े नाल ने क्योंकि अज सवेर तो कल रात भी इत्थे मौजूद सी काफ़ी कशमकश सी कई नाम आए जर गल करिए तो घूनर साहब का भी नाम आया जथेदार तोता सिंह जी का नाम आया सी ते फिर एकदम फिर पुरानी ही टीम सैट की गई। देखो गल है कि श्रोमणी अकाली दल की यह खुशकिस्मती है कि साढ़े को बहुत सीनियर ते मच्योर लीडरशिप श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जथेदार तोता सिंह जी ने बीबी जगीर कौर जी ने प्रोफेसर कृपाल सिंह डुंगर साहब ने जथेदार अवतार सिंह बक्कर साहब ने होर इन्हों के इस तरह बहुत सारे सीनियर साथी ने इस करके तो एक पार्टी की एक एसेट है कि जिन्ने सीनियर लीडर होंगे है उन्नी जी है सानू चोन जी है वह बैटर होंगी पर यह कि जो फैसला होया बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल सारे की राय के नाल और इतने हाउस के भी देखो कि चारे के चारे ऑफिस भी और 11 दे 11 एग्जैक्टिव मैंबर वो सर्वसम्मति दे नाल चुने कितना कितने कहा जा रहा है कि जरा लोकतंत्र का तरीका नहीं है कि जो पार्टी प्रधान है वह जिन्हों चाहते हैं उही प्रधान बनता है कोई चोन नहीं होंगी किसी तरह का डेमोक्रेसी का कतल किया जाता है तो यह तुम समझ दोगे कितना कितने इतने घाट है। देखो गल यह कि 2 दिन असी लगातार मीटिंगा चंडीगढ़ की प्रधान साहब बैठे कल्ले कल्ले मैंबर की 150 मैंबर तो वध है सारे की राय इतने कल तो सामने खुली मीटिंग हुई उस सारे ने प्रधान साहब को ऑथोराइज किया एक प्रोसैस है इस तो वध ट्रांसपेरेंट प्रोसैस मैंने एक भी पार्टी दस दौ देश की जी अडोप्ट करती हो पर यह है कि आलोचना करने वाले ने आलोचना करनी होंगी एक करके कई ड्यूटी इसे काम से लगी होंगी है तो कांग्रेस वाले को पूछो भी ताे तो जो उत्तर सोनिया गांधी के घरों आ जाता वो सारे ही नतमस्तक लिफाफा कहते इतने भी आ जाता कहते लिफाफा ही इतने आता इतने तो पहला जी है प्रधान साहब आप आते हैं सारे की राय लेंगे दफ्तर से 2 दिन लाए हैं 3 दिन संस्था के कले कले मैंबर दिता जाता अपनी फीडबैक देने लिफाफा कल्चर जरा वो है अच्छे सामने नाम प्रपोज हुए इलैक्शन हुई है वो चुने गए हैं पूरा हक सीगा कि साडे खिलाफ भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकता सी पर नहीं आया कोई क्योंकि किसी की समर्था नहीं सी इन्हां कैंडिडेटां नूं फेस करन दी जिहड़े साबका प्रधान ने सीनियर लीडर ने वो प्रपोज कर रहे हैं नाम जी कि लिफाफा कल्चर है इस गल दी सानूं बधाई दे कहिंदे प्रधान मैंबरां चों नहीं निकलता प्रधान बादल साहब दे पॉकेट चों निकलता देखो वो उन्होंने हताश च होए आ यही कुछ ही कहना पर तुसीं मीडिया उन्होंने सारियां वीडियो दिखाओ असीं तुहानूं चंडीगढ़ दी भी सारियां वीडियो दे देंगे आ हाउस दी भी दे देंगे कल वाली मीटिंग दी भी दे देंगे वो कुछ कही जाने असीं गुस्सा नहीं करते जो उन्होंने हक है डेमोक्रेसी चलता है पर इस तो वधिया डेमोक्रेटिक तरीका कोई हो नहीं सकता डेमोक्रेसी तुसीं गल कीती है पर डेमोक्रेसी का कतल कितने होंगे कि 10 साल हो गए चोणा ही नहीं हुई हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी कितने समझ दो कि यह गलत गल है। नहीं देखो 2011 के इलैक्शन हुई सी उस तो बाद टैक्नीकली कोर्ट च मसला चला गया 5 साल हाउस लंबित रहा 2016 च कोर्ट की वर्डिक्ट आई फिर नवें सिरे हाउस जिहड़ा असैम्बल होया और उहदे हिसाब दे नाल 2021 तक हाउस की मर्याद बढ़ती यह मैटर ऑलरेडी कोर्ट के भी ना तो किसी अदालत ने हाउस नूं रोकिया काम करन तो इस करके जा मर्याद जो 2021 च पूरी हो जाएगी तो यदि इलैक्शन होएगी क्यों नहीं होएगी इलैक्शन फेयर एंड फाइन कोर्ट ने किसी कारण करके रोक दिता उस मैंबरों का जो इलैक्ट हुए कोई कसूर नहीं तुहानूं पता भी इत्थे पहली सिटिंग हो गई सी तो हाउस से पुरानी जी है कोर्ट ने बहाल कर दी एग्जैक्टिव इलैक्टेड मैंबर जो 4 साल इंतजार करते रहे 16 च जो हाउस ने काम करना शुरू किया गुरद्वारा एक्ट के 5 साल की वो म्याद है जे कोई अदालत अज कोई फैसला करते फिर सानू कोई इतराज नहीं। अगले चैलेंजेस की ने जी क्योंकि काफ़ी मुद्दे ने देखो गल है कि यह बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है हुण शताब्दी आ गई 100 साल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूरा हो गया और साढ़े कोई लफ्ज़ नहीं कि असी संगत का अकाल पुरख का किमें धनवाद करिए कि 125 साल सानू ही सेवा संगत ने दी इस करके बड़िया वड्डिया अगों भी चुनौतियां ने धर्म प्रचार का कार्य गुरद्वारा प्रबंधन होर बैटर बना संगत वास्ते सहूलत कायम करनियाँ विद्यक अदारे सेहत के अदारे सारिया चीज़ा और सब तो वड्डी गल धर्म का प्रचार इन होर एनर्जैटिक तरीके दे नाल अगे लग जाए कितना कितने समझ दो कि श्रोमणी अकाली दल में भी बल मिल जाता श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल नहीं कुदरती गल है जी जे असी झोली अड के संगत को जाने संगत ने मैंबर जिताए है तो वह मैंबर लोग संगत के टैस्ट पास हो रहा तो शाबाश से सानू कहते जी मीरी पीरी का सिद्धांत तो हैगा पर कितना कितने राजनीति अज हावी हो गई नहीं ये मैं समझना कहने वाले कह दिया करो माड़ा मोटा उन्होंने भी स्टीम निकलनी चाहिए अच्छा
क्योंकि इन्ना गुबार उन्होंने ढिड च रह जाए वो भी चंगी गल नहीं है। पर अकाल पुरख का असं शुकराना करते हैं कि एडा वड्डा जिहड़ा हैगा वो साडे उत्ते भरोसा संगत ने पाया। शुक्रिया। तो असी डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिन्होंने अज आख्या कि जरा कि सीधे तौर पर अज वो इत्थे आए ने जरा गोबिंद सिंह लौंगोवाल मौका दिता गया वो उन्हों की काबिलियत सी क्योंकि पिछले लंबे समय तो चंगे काम किए थे। इस तो अलावा कई ऐसे दौर से लोग सी लेकिन फिर भी गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने एक बार फिर मौका दिता गया तो आने वाले समय के पंथ वास्ते काम करेंगे जिद कई जे मसले ने सिख कौम के वह हल होंगे। कैमरामैन अक्षय सुमित खन्ना जगबाणी टीवी अमृतसर।